अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जय परशुराम। जय बलराम। जय परशुराम। जय परशुराम। स्वागत करता हूँ जिन्होंने ब्राह्मण समाज को उनके आराध्य देव राज राजेश्वर भगवान परशुराम जी की प्रतिमा भेंट की और समाज ने उसे अभिग्रहण किया। अधिकार है, हम ब्राह्मण हैं। मंदिर निर्माण कार्य निरंतर जारी रहे, इसे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान परशुराम जी चिरंजीवी है। हम सब लोग हमारे घर के अंदर बैठेंगे और भगवान परशुराम। सम्मानित पार्षद यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी का अभिनंदन स्वागत। यहाँ इस वार्ड की पूर्व पार्षद ममता दिलीप शर्मा जी, जिनके अथक प्रयासों से ये नगर पालिक निगम के माध्यम से ये सौगात परशुराम वाटिका के रूप में मिली है। राज राजेश्वर भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में नमन करते हुए यह अभिग्रहण समारोह एक बार हम पुनः करके शस्त्र शास्त्र। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के संरक्षक देवास नगर निगम में पूर्व महापौर मेरे अपने बड़े भाई आदरणीय सुभाष भैया शर्मा जी, हमारे सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश मिश्रा जी भाई साहब, हमारे साथ ही अन्य अतिथि जो पधारे हैं नगर निगम में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं, भाई गणेश पटेल जी, धर्मेंद्र जी, भरत जी, हमारे समाज के दोनों ही पार्षद दीपेश जी और राधना जी, पूर्व की मांग करते आ रहे हैं कि भगवान परशुराम जी विष्णु के छठे अवतार हैं, चिरंजीवी हैं, ब्राह्मणों के आराध्य हैं, न कि महापुरुष। आज इस भरी सभा में हमारी निम्नानुसार मांगे हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी मांगे पूरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पर परशुराम जी की मूर्ति को आपने समर्पित करी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज भगवान परशुराम जी की प्रतिमा को समाज को सुपुर्द करने का कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और अच्छे मुहूर्त का इंतजार करके पूरा समाज इसका एक बहुत भव्य कार्यक्रम मैं समझता हूँ 2-1 महीने में करेंगे, लेकिन आज क्योंकि प्रतिमा तैयार हो गई थी तो उनको सुपुर्द कर दिया है और सभी समाज जनों का आज कार्यक्रम हुआ। मैं पूरे ब्राह्मण समाज को और केवल परशुराम जी महाराज जो भगवान हैं केवल ब्राह्मण समाज के नहीं पूरे विश्व के, पूरे हिंदू समाज के हैं, मैं सभी लोगों को इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है।